16 जुलाई 1994 लगभग 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 से भी ज्यादा विशाल का टुकड़े एक ही सीरीज में सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर पर टकराते हैं। करीब 2 किलोमीटर आकार के ये पत्थर लगातार 6 दिनों तक एक एक करके बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर पर बरसते रहते हैं। नासा के वैज्ञानिक अपने खास टेलीस्कोप हबल से ये टक्कर रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। टक्कर से बने धब्बे पूरे ग्रह पर बिखर जाते हैं और इतने विशाल होते हैं कि इन्हें पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। 30 करोड़ न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा ताकतवर इंपैक्ट पूरे ग्रह के वातावरण को 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है। साल 1994 में जुपिटर ग्रह पर कॉमेट शूमेकर लेवी 9 की यह टक्कर मानव इतिहास की पहली ऐसी टक्कर होती है जिसे सौरमंडल में पहली बार टेलीस्कोप के जरिए देखा गया हो और उसके इम्पैक्ट को रिकॉर्ड भी किया गया हो। पहली बार हमने किसी ग्रह पर उल्कापिंडों की इस महाविशालकाय टक्कर को देखा जिसने हमें बताया कि एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट वास्तव में कितना ताकतवर होता है। ये बात तो थी स्पेस की, पर साल 2013 में भी पृथ्वी पर एक ऐसा ही उल्कापिंड फटा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। रूस के चेलिबिंस्क में एक एस्ट्रॉइड यानी अंतरिक्ष से आया एक पत्थर हवा में ही फट गया था। इसका ब्लास्ट एक न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा ताकतवर था। इसके एयरवस्ट में ही इतनी ताकत थी कि इसे अंटार्कटिका तक महसूस किया गया था। धमाके से पैदा हुई शॉक वेव से कई किलोमीटर तक के घरों के कांच टूट जाते हैं। 20 मीटर का यह एस्ट्रॉइड सूर्य की चमक तक को फीका कर देता है। पर आखिर एस्ट्रॉइड इतने ताकतवर क्यों होते हैं? क्यों वे स्पेस में अरबों की संख्या में हैं? और क्यों इन्हें आने वाले भविष्य में मानव जाति के लिए खतरा माना जा रहा है? क्या हम इन्हें अपने पावरफुल टेलीस्कोप और सुपर कंप्यूटर से ट्रैक कर सकते हैं? और अगर ये पृथ्वी की ओर आया तो क्या होगा और हम कैसे बचेंगे? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ एस्ट्रॉइड की एक और अद्भुत यात्रा पर जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। हमारे सौरमंडल में इस समय करोड़ों उल्कापिंड हैं जो आकार में 10 मीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हैं। इनमें से 25 लाख के करीब 10 मीटर के एस्ट्रॉइड हैं, तो 1 किलोमीटर के करीब 10 लाख एस्ट्रॉइड हमारे सोलर सिस्टम में परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं बात की जाए विशाल एस्ट्रॉइड की तो 10 किलोमीटर से ऊपर करीब 10,000 एस्ट्रॉइड और 100 किलोमीटर के करीब 100 एस्ट्रॉइड हैं। इनमें से ज्यादातर उल्कापिंड मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी से काफी करीब हैं और अगर इनमें से एक भी उल्कापिंड चाहे वो 10 मीटर के आकार का क्यों ना हो अगर पृथ्वी पर गिर जाता है तो एक न्यूक्लियर बम से ज्यादा तबाही मचने वाली है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में इस समय 1 किलोमीटर से बड़े 7.5 लाख से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड मौजूद हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर कई बार किसी प्लेनेट या विशाल ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आकर अपने ऑर्बिट को सीधा किसी प्लेनेट की ओर मोड़ देते हैं। पृथ्वी पर भी हर साल इसी तरह के कई छोटे एस्ट्रॉइड टकराते हैं जिन्हें मीटियोराइट भी कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1 मीटर से कम 50,000 मीटियोराइट इंपैक्ट देखे हैं जो बताते हैं कि हमारी पृथ्वी भी किसी उल्कापिंड की टक्कर से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। पर आखिर पृथ्वी और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर तबाही मचाने वाले एस्ट्रॉइड बने कैसे और क्यों वे आज भी करोड़ों की संख्या में केवल सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानने के लिए चलते हैं आज से 460 करोड़ साल पहले उस समय में जब हमारे सौरमंडल का बनना शुरू ही हुआ था। उस समय धूल और पत्थर आपस में टकरा करके शुरुआती प्रोटोप्लैनेट का निर्माण करते हैं। हैवी एलिमेंट जैसे कि आयरन, निकल और इरिडियम मोल्टन प्रोटोप्लैनेट के कोर में समाते रहते हैं और उसकी सतह पर हल्के सिलिकेट मिनरल बनते रहते हैं। इन्हीं सभी एलिमेंट से धीरे धीरे कुछ प्रोटोप्लैनेट प्लैनेट बन गए यानी ग्रह बन गए, तो कुछ पीछे स्टेज में टूटकर प्रोटोप्लैनेट से टकरा कर या तो उसमें समा गए या लाखों पत्थरों में टूटकर सौरमंडल में भटकते रहे। इन पत्थरों यानी ऑब्जेक्ट में कुछ विशाल आकार के पत्थर जो सूर्य की परिक्रमा करते रहे एक दूसरे से टकरा कर उल्कापिंड और एस्ट्रॉइड में बदल गए। आज यही एस्ट्रॉइड हमें पूरे सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं जो फिलहाल एक ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन सभी एस्ट्रॉइड को वैज्ञानिक आज 3 कैटेगरी में बांटते हैं। बहुत ही ज्यादा डार्क कलर के उल्कापिंड कार्बन से बने हुए होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट में आप 75% इन्हीं एस्ट्रॉइड्स को देखेंगे। वहीं लगभग 17% एस्ट्रॉइड सिलिकेट के बने हुए हैं। इन्हें एस टाइप एस्ट्रॉइड कहा जाता है। ये बहुत चमकीले होते हैं और मेटल्स के मिक्सचर जैसे कि आयरन निकल से बने हुए होते हैं। वहीं 10% एस्ट्रॉइड ऐसे भी हैं जो सीधा प्रोटोप्लैनेट की कोर से बने हुए हैं। इन्हें मेटालिक एस्ट्रॉइड कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं और इन्हें टेलीस्कोप से डिटेक्ट करना भी आसान होता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बना उल्कापिंड का घेरा यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट में ज्यादातर एस्ट्रॉइड स्टेबल ऑर्बिट में रहते हैं, पर कई ऐसे भी होते हैं जो टक्कर से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के कारण अपनी ट्रेजेक्टरी बदल लेते हैं। जुपिटर की विशाल ग्रेविटी के कारण ज्यादातर उल्कापिंड उसी में टकरा करके खत्म हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी और मंगल ग्रह पर खतरा काफी कम रहता है। पर उल्कापिंड का यह घेरा अपने अंदर लाखों उल्काओं को समाये
यहीं तक शांत नहीं रहता है। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड का एक घेरा है जिसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसी घेरे से हमें सबसे बड़ा खतरा है। इन ऑब्जेक्ट्स में से ज्यादातर को ग्राउंड टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया जाता है। आकार में छोटे और पृथ्वी के सबसे पास होने के कारण ये ऑब्जेक्ट हमें टेलीस्कोप में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक एस्टेरॉयड के इमेजेस लेते हैं जिसमें उसके बैकग्राउंड में गैलेक्सी और दूसरे विशाल स्टार होते हैं। सूर्य की परिक्रमा कर रही ये ऑब्जेक्ट कई इमेजेस को एक साथ प्रोसेस करने पर चलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं कई लाइट ईयर दूर स्टार और गैलेक्सी हमें रुके हुए दिखाई देते हैं जिससे हम उनकी ट्रेजेक्टरी को डिटेक्ट कर पाते हैं। पर सभी एस्टेरॉयड को इस तरह डिटेक्ट कर पाना और उनका कैटलॉग बनाना बहुत मुश्किल है। हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट में ऐसे लाखों एस्टेरॉयड हैं जो सूर्य की केवल 15% लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। इतने ज्यादा डार्क और आकार में बहुत छोटे होने के कारण इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर आप इनके मोशन को डिटेक्ट भी कर लें तो इनकी सही ट्रेजेक्टरी को डिकोड करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। किसी प्लैनेट और स्टार की तुलना में एस्टेरॉयड बहुत तेज स्पीड से ऑर्बिट करते हैं और लगातार किसी न किसी ऑब्जेक्ट के पीछे छिप सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास इनका काफी कम दिनों का डेटा ही हाथ लगता है। इसलिए वैज्ञानिक चाह करके भी इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते हैं। साल 2013 में फटा चेलिविंस एस्टेरॉयड 20 मीटर का था और इसमें 500 किलो टन टीएनटी की ताकत थी जो कि इसे हिरोशिमा पर फटे एटम बम से 30 गुना ताकतवर बनाता है। सोचिए, आकार में 20 मीटर यानी दो बसों के बराबर उल्का में इतनी ताकत है, तो आगे जिन उल्काओं की मैं बात करूंगा उनको तो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। किसी भी एस्टेरॉयड की तबाही उसके आकार और उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर 50 मीटर की एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर एंटर होती है और एक्सप्लोड करती है तो इस इंपैक्ट में करीब 10 मेगाटन टीएनटी के बराबर का एक्सप्लोजन होगा जो कि हिरोशिमा के एटम बम से भी 600 गुना ज्यादा ताकतवर है। पर हर 800 साल में पृथ्वी में एंटर करने वाली यह एस्टेरॉयड हमारे लिए खतरा है तो ऐसा नहीं है। एस्टेरॉयड बेल्ट में 1 किलोमीटर से ऊपर की करीब 10 लाख एस्टेरॉयड हैं। अगर ऐसे में एक भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आती है तो इससे बचना मुश्किल ही हो जाएगा। करीब हर 5 लाख सालों में इस आकार की एक उल्का पृथ्वी पर टकराती है जिसके इंपैक्ट में कम से कम 47,000 मेगाटन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा 1,000 बोम्बा की ताकत के बराबर है जो कि इस समय का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम है। दुनिया के सभी न्यूक्लियर बम को भी अगर मिला लें तो भी इस एस्टेरॉयड का इंपैक्ट इन सभी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इस एस्टेरॉयड के धमाके से एक पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो सकता है और पृथ्वी पर करीब 14 किलोमीटर का एक विशाल क्रेटर बन सकता है। पृथ्वी पर किसी भी एस्टेरॉयड को अगर भयानक तबाही मचानी है तो उसे कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तेजी एटमॉस्फेयर में एंटर होना पड़ेगा। पर 65 करोड़ साल पहले डायनासोर इतने लकी नहीं थे। उस समय करीब 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर 10 किलोमीटर का विशालकाय पत्थर पृथ्वी की ओर आता है और करीब 100 करोड़ न्यूक्लियर बम की ताकत से इंपैक्ट करता है। एक्सप्लोजन में करीब 3×10²³ जूल काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है जो कि 16 लाख किलो एंटी मैटर और मैटर की टक्कर के बराबर है। इंपैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पृथ्वी पर 300 किलोमीटर का क्रेटर बन जाता है और आसपास की हवाएं 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से बहने लगती हैं। एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है जिस वजह से इंपैक्ट साइट से हजारों किलोमीटर दूर भी जानवर इसकी चपेट में आके मर जाते हैं। पृथ्वी से 75% जीवन नष्ट हो जाता है और विशालकाय जानवर यानी डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। हालांकि इतने विशाल एस्टेरॉयड के इंपैक्ट बेहद ही कम होते हैं। हर 50 करोड़ सालों में इसका एक इंपैक्ट पृथ्वी पर ही होता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम इन विशालकाय उल्कापिंडों से अपनी पृथ्वी को कभी भी बचा पाएंगे? अगर पृथ्वी की ओर एक विशालकाय उल्कापिंड आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर न्यूक्लियर बम से इसे तबाह किया जाए तो इसके कई टुकड़े तो हो जाएंगे पर ग्रेविटी के कारण ये फिर से जुटकर वापस पृथ्वी की ओर बढ़ता रहेगा। दूसरा उपाय है कि इसकी ट्रेजेक्टरी को हम रॉकेट की मदद से बदल दें, तो इसे करना भी बहुत मुश्किल है। एस्टेरॉयड बहुत ही ज्यादा मैसिव और एक रोटेटिंग बॉडीज होते हैं और हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इसे 1 मिलीमीटर भी हिला सके। जिस काइनेटिक एनर्जी से ये हमसे टकराने आ रहा है उससे पृथ्वी के सभी रॉकेट भी मिलकर इसकी ट्रेजेक्टरी को बदल नहीं सकते हैं। अगर 1 किलोमीटर का भी एस्टेरॉयड हमारे सामने इस समय आ जाए तो भी नासा, इसरो और सभी स्पेस एजेंसी इसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। इन सभी एस्टेरॉयड को हम फिलहाल केवल ट्रैक ही कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टेलीस्कोप चाहिए। इन टेलीस्कोप्स की मदद से हम कुछ ना कुछ एस्टेरॉयड को देखकर उनसे बच सकेंगे। फिलहाल हमें सबसे ज्यादा खतरा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से है, तो उन्हें ट्रैक करने के लिए हमें स्पेस वेव ऑब्जर्वेटरीज और ऐसे डिवाइस चाहिए ताकि हम सीधा एस्टेरॉयड के कंपोजिशन और उसकी स्पीड को जान सकें और पृथ्वी पर उस शहर को खाली कर सकें जहां पर इसका इंपैक्ट
हो सकता है। फिलहाल एस्ट्रॉइड से हमारी मदद सोलर सिस्टम के विशाल प्लैनेट सी करते हैं। जुपिटर ग्रह के कारण ही हम इस सौरमंडल में सबसे ज्यादा सेफ हैं और आने वाले अरबों सालों तक हमारी पृथ्वी इसी के कारण बची रहेगी। इन्हीं एस्ट्रॉइड के जुड़ने से ग्रह बनते हैं और इनके ही टकराने से ये तबाह भी हो जाते हैं। हमारा चंद्रमा भी इसी तरह की एक टक्कर से बना है, जो बताता है कि स्पेस में तैरते ये पत्थर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदलते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने एस्ट्रॉइड की बात की है और ये समझा है कि ये कैसे बनते हैं और कितने एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं और हम इन्हें क्यों चाह करके भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इनके इम्पैक्ट में कितनी ताकत होती है और तब क्या होगा जब कोई विशाल एस्ट्रॉइड हमारी ओर बढ़ेगा, क्या हम इससे बच सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।